बाप रे, तभी आधी रात को स्कूटर का मैकेनिक कहाँ ढूंढेंगे? ओ यारो, एक काम करते हैं। ओ मेरा खास दोस्त है हरप्रीत, उसका स्कूटर का गैराज है और 24 घंटे खुला रहता। तभी उसे फोन करता। लगा फोन लगा भाई। ओ रोशन पाजी, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? ओ सब ठीक नहीं है यार, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। ओ तो पाजी, दो पैग मारो, आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक तो तब होगा हरप्रीत वीरे, जब तू ठीक करेगा। मतलब? और मतलब ये है कि वीरे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। की हो गया? समझ गया पाजी, समझ गया, स्कूटर रिपेयर हो जाएगा, मैं कल दोपहर तक ठीक करके वापस भिजवा दूंगा। हरप्रीत वीरे, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? पाजी, आप भी तो मैकेनिक हो, जितना काम आपने बताया, इतना काम करने में कितना टाइम लगता, आपको भी तो पता है। अच्छा वैसे स्कूटर है कितने? अरे पटेल नगर से खोल। ओ ठीक है पाजी, लेकिन क्या है ना कि थोड़ी आदमी की शॉर्टेज चल रही है, स्कूटर तो आपको पहुंचाना पड़ेगा। आप स्कूटर पहुंचा दो, मैं ठीक करके कल दोपहर तक वापस दे देता हूँ। ठीक है हरप्रीत, थैंक यू वेरी मच, चंगा, सत श्री अकाल। ठीक है भाजी। ओ यारो, हरप्रीत कह रहा है इसको फटाफट लेके आ जाओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा, पर कल दोपहर तक मिलेगा, चलेगा? अरे चलेगा क्या, सोरी दौड़ेगा, चलो चलो। अरे नहीं मेहता साहब, क्या दौड़ेगा, कल सुबह उठते ही भीड़े को अपना सखारम नहीं दिखेगा तो वो तो पूरी सोसाइटी में तहलका मचा देगा। सही बात है। हेठलाल, भीड़े को तो संभाल लेगा, कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ लेंगे, संभाल लेंगे उसे, लेकिन इस वक्त दूसरा मैकेनिक कहाँ से ढूंढेंगे, स्कूटर कैसे ठीक कराएंगे? ओ मेहता साहब, दूसरा मैकेनिक भी मिल जाएगा, पर सखाराम को रिपेयर होने में इतना वक्त तो लगेगा ही। चलो फटाफट सखाराम को हरप्रीत के गैरेज लेके चलते हैं, चलो चलो। हाँ लेके तो जाते हैं सूढ़ी, लेकिन स्कूटर की हालत देखिए, इसकी हेडलाइट टूटी हुई है, बिखरा पड़ा है, इसको लेके कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, टोइंग वैन को बुला लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, टोइंग वैन नहीं बुला सकते भाई। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, टोइंग वैन बुलाएंगे और एक्सीडेंट का केस है, टोइंग वैन वाले ने पुलिस वालों को अगर बता दिया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो स्कूटर भी पुलिस स्टेशन जाएगा और हम लोग भी। नहीं। अरे बाप रे, तो फिर अब सखाराम को गैरेज कैसे लेके जाएंगे? वो इनको स्कूटर सिखाने से पहले और एक्सीडेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। ओ यारो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मेरी जीप में रस्सी है, सखाराम को जीप के साथ बांध देते हैं और हरप्रीत के गैरेज पे ले जाते हैं। ब्रिलियंट आइडिया सोडी भाई, सेठ जी आइडिया मिल गया। सोडी भाई कह रहे हैं, सुना भाई, मैं भी तो यही खड़ा हूँ, सुना मैंने सब। सॉरी सेठ जी, मैं रस्सी लेके आता। बढ़िया बढ़िया बांधा तो ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बच्चों भी काम करो, आप लोग और बाघा भाभी अब आप लोग घर जाओ, हम लोग ये स्कूटर गैरेज में देके आते हैं। और मेहरबानी करके किसी को कुछ बोलना मत, चुपचाप घर पे जाकर सो जाना, हम लोग सुबह सब संभाल लेंगे। ठीक है पापा, चलो 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 चलो, आ जाओ अभी जाओ, चलो चलो सोटी, चलते हैं। ओ यारो, सब लोग जीप में जाएंगे तो सकराम को कौन संभाले? मैं तो बिल्कुल नहीं संभाल पाऊंगा। मैं अगर साइड कार नहीं होती तो चला लेता, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं तो सर मैं ले लेता हूँ। पक्का? हाँ हाँ, खाली छोटी जरा आराम से चलाना, और रस्सी है ना, कहीं टूट ना जाए भाई। हाँ जरा बड़ा, तुझे फिक्र ना करो। छोड़ी थोड़ा जल्दी चल भाई, ऐसे चलेगा तो सुबह पहुंचेगा कह रहा है। जी छोड़ी 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 छोड़ी, क्यों है जेठमरा? अरे क्या कर रहा है दोस्त, इतनी तेज क्यों चला रहा है जीप? ये स्कूटर रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी टूट गई तो? जेठमरा, मैंने तो पता ही है, इसलिए मैं धीरे चला रहा था। ये मेहता साहब बोल रहे हैं जल्दी चला। अरे मेहता साहब, जीप में आराम से बैठे बैठे आपको क्या नखरे सोच रहे हैं भाई, यहाँ स्कूटर पर आके बैठे तो पता चले। मैंने सोडी को थोड़ा जल्दी चलाने का कहा था, भगाने का थोड़ी कहा था सोडी।
ओ मेहता साहब थोड़ा जल्दी क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है, क्यों आती ब्रा? हाँ छोटी ऐसा करो, जल्दी और धीरे के बीच की स्पीड से चलाओ। तो यार वो ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा, और मुझे आंकड़ा बताओ, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, वो कितनी स्पीड से चलना है मुझे वो आंकड़ा दसो। 30 नहीं 40 की स्पीड ठीक रहेगी ना मेहता साहब? अरे मेहता साहब से क्या पूछ रहे आती भाई, वो तो मस्त आराम से जीप में बैठे हैं, या स्कूटर पर मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछो। आप ही बताइए। नहीं 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 40 ठीक रहेगा जेठालाल, क्या है कि 30 में गाड़ी बहुत धीरे चलती है, 50 में थोड़ी फास्ट हो जाएगी, 40 बिल्कुल परफेक्ट है ना सोडी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग आपस में तय करके आंकड़ा बता दो, उसी स्पीड से गड्डी चलेगी, वरना आप लोग ही बोलोगे गड्डी ज्यादा तेज होगी या गड्डी ज्यादा धीरे होगी। नहीं नहीं 40 बराबर है सोडी, 40 पे चला, 40 पे चला। पक्का जी डबरा? पक्का पक्का पक्का। नो ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। नहीं नहीं मैं तो बोल ही रहा हूँ 40 40 40 ठीक है जी डबरा, रेडी 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 स्टेडी गो। क्या सोच रहा है टप्पू? यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सोसाइटी में पैर रखने की, कल भिड़े अंकल को पता चलेगा, पता नहीं क्या होगा यार। वो यार डर तो मैनु भी बहुत लग रहा है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? आई थिंक फ्रेंड्स हमें अब वो ही करना चाहिए जो हमारे पापा ने हमें करने के लिए कहा है। हाँ अब हमें ऐसे ही बिहेव करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हम घर जाकर चुपचाप सो जाते हैं, और हमारे पापा ने तो कहा ही है ना कि वो सब संभाल लेंगे। लेकिन टप्पू अगर हमारे पापा भीड़ अंकल का गुस्सा शांत नहीं कर पाए तो? वो यारा डरा मत। डरा नहीं रहा हूँ गोगी, मैं खुद डर रहा हूँ, हमारे वजह से हमारे पापा फंस गए। अरे कहाँ फंसा दिया ये बच्चों ने, समझ में नहीं आ रहा इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। मेहता साहब आसमान में देख के तारे क्या गिन रहे? अरे भाई कल सुबह भिड़े के गुस्से से कैसे बचा जाए उसका कोई आइडिया सोचो। अरे भाई मैं आसमान में देख के तारे नहीं गिन रहा हूँ जेठालाल, कुछ आइडिया ही सोच रहा हूँ, पर कुछ सूझे तो। अरे नहीं नहीं कोई आइडिया मिल रहा है ऐसा बोल के आप झटक नहीं सकते, सोचो सोचो कोई आइडिया सोचो। सोच रहा हूँ जेठालाल सोच रहा हूँ। ज्यादा मत सोचो फ्रेंड्स, इस वक्त भलाई इसी में ही है कि हम घर जाकर चुपचाप सो जाते हैं। ठीक है चलो फिर। सो सॉरी भीड़ अंकल, हमारी वजह से आपके प्यारे सखाराम का एक्सीडेंट हो गया। छोटे क्या हो गया, ब्रेक क्यों मारे तूने? सॉरी रेटा ब्रा, वो हरप्रीत का गैरेज आ गया और मैं थोड़ा आगे निकल गया। ओ आ गया? ओ जोटो सस्रीकाल छोटी पाजी। ओ सस्रीकाल जोटो, हरप्रीत ने तेरे फोन करके सब दस देता सी। सब बता दिया छोटी पाजी, आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अरे छोटू भाई थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा स्कूटर? हाँ नहीं नहीं 2 बजे के पहले तो नहीं हो पाएगा। कोई गल नहीं छोटू, तू काम शुरू कर। हो गया जी हो गया, चलो कर चलिए। अरे नहीं नहीं छोटी अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अरे अभी स्कूटर रिपेयरिंग का काम शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा? अरे मैं स्कूटर की बात नहीं कर रहा हूँ छोटी, तो मैं भीड़े की बात कर रहा हूँ। कल सुबह जब उठ के वो देखेगा कि उसका सखाराम सोसाइटी में नहीं है तो उसका सामना हम कैसे करें उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ ऐसे है, सही बात है, मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि भिड़े मास्टर को ये बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। कुठे गेला मजा सखाराम, कहाँ गया मेरा सखाराम, बोल बोल के पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेगा वो। हाँ यार
अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, युद्ध नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे युद्ध नहीं होगा। अरे तो कभी बताएंगे आप मेहता साहब, हमारा संहार हो जाएगा बाद में। जेठालाल बता रहा हूँ ना, आइडिया अभी अभी दिमाग में आया है। जल्दी बताइए ना मेहता साहब, कब बताएंगे। भिड़े सुबह ही सुबह सोसाइटी में देखेगा कि सखराम नहीं है, गायब हो गया तो भयंकर हंगामा मचा देगा। हाँ। तो मैं क्या सोचता हूँ कि भिड़े देखे, भिड़े को पता चले, उससे पहले हम ही लोग जाके उसे समझाते हैं, बता दें कि भाई सच्चाई क्या है। हो सकता है हमारी बात समझ जाए और हंगामा ना करे। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, आप होश में तो है? तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या, फायर ब्रिगेड हो के आग लगाने वाली बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या क्या मतलब क्या जेठालाल तुम्हारा? आपको क्या लगता है हम उसको सच बता देंगे तो क्या खुश होगा, हमें शाबाशी देगा? काय टप्पू सेना, नहीं टप्पू, ऐसे करके चिल्ला के वो ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। नहीं नहीं, हम भिड़े को सब सच नहीं बता सकते, और हर बार सबको सच बताने की जरूरत नहीं है, कभी थोड़ा कुछ छुपाना भी पड़ता है। सही बात है, इस वक्त भिड़े मास्टर को सच बताना जैसे खोलते हुए तेल में हाथ डालना। नहीं नहीं मेहता साहब, आपका ये सच बताने वाला आइडिया बहुत बेकार है, कोई और आइडिया बताइए। आज सुबह जब भिड़े मास्टर ने हंगामा किया था तो किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन कल सुबह जब भिड़े मास्टर हंगामा करेगा तो सब उसकी बात पे विश्वास करेंगे और सब उसका साथ भी देंगे। बाकी सबको तो हम संभाल सकते हैं आतिफ भाई, लेकिन पोपटलाल है ना, उसको संभालना मुश्किल है, वो चोंच मार मार के बाल के खाल निकाल देगा। आज सुबह भी अकेला पोपटलाल था जो भिड़े को साथ दे रहा था। बिना चले पेट्रोल का कम होना, किलोमीटर का बढ़ना, ये सब तो आश्चर्यजनक घटना है। वही तो ना, कि खड़े खड़े सखराम का पेट्रोल कैसे कम हो गया, किलोमीटर का आंकड़ा कैसे बढ़ गया, कीचड़ कैसे लग गया। इसे तो ये साफ जाहिर होता है कि कल रात को सखराम को कोई चोरी छुपे यहाँ से बाहर लेके गया था। तो आज की तरह कल उसने आग में घी डालने का काम किया तो हमारे लिए यह सच को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओ यारो, क्यों ना हम पोपू को पिंजरे में कैद कर लें? क्या मतलब? ओ मतलब ये कि पीड़ू को तो सच बता नहीं सकते, पोपू को सच बताकर समझाएंगे ताकि वो अपनी चोंच बंद रखे। नहीं 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 छोटी, पोपटलाल को तो बिल्कुल नहीं बता सकते, वो पत्रकार है, और पत्रकार को एक बार ऐसी कुछ खबर मिली तो आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर करके पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में ढिंडोरा पीट देगा भाई। हाँ सही बात है, पोपटलाल के पेट में कोई बात नहीं टिकती। नहीं नहीं, आप लोग जो कह रहे हैं उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पोपटलाल टप्पू सेना से बहुत प्यार करता है, तो मेरे ख्याल से टप्पू सेना की खातिर वो समझ जाएगा अगर हम उससे बात करें तो यारो, अगर पोपू को हमने अपनी टीम में ले लिया तो पीड़ू की टीम कमजोर पड़ जाएगी, ज्यादा देर तक हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ नहीं, मेहता साहब की ये बात में दम है। बराबर मेहता साहब, आपकी ये बात से मैं सहमत हूँ, मैं अभी पोपटलाल को फोन करता हूँ। अभी 3:30 बज रहे हैं जेठालाल, सो रहा होगा वो। अरे अकेले आदमी को जगना क्या सोना क्या है आते भाई। सही बात है, स्पीकर पे करता हूँ, स्पीकर पे करता हूँ। बोलो बोलो जेठालाल, क्या नाम है लड़की का? किस लड़की की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई उसी लड़की का जिसके रिश्ते की बात करने के लिए तुमने मुझे फोन किया है। इस बुड़बक की पिन तो 24 घंटे शादी पे ही अटकी रहती है। क्या पोपटलाल, अरे शादी के अलावा क्या मैं तुम्हें तो किसी और बात के लिए फोन नहीं कर सकता? नहीं नहीं, कर सकते हो ना, लेकिन इतनी रात को 3:30 बजे फोन क्यों किया? अरे सॉरी, हाँ मैंने तुम्हारी नींद बिगाड़ी, सॉरी सॉरी पोपटलाल। नहीं नहीं भाई, मैं सो नहीं रहा हूँ, प्रेस में काम कर रहा हूँ। तुम प्रेस में कभी गए? अरे भाई सोडा पीने के बाद घर गया तो बॉस का फोन आया कि अर्जेंट काम है, आना पड़ेगा, तो आ गया। अच्छा तो अभी वापस कभी आ रहे हो? पता नहीं, यहाँ से मुझे एक स्टोरी कवर करने भी जाना है, शायद कल दोपहर तक आ जाऊंगा। ले बच गए क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या भाई, अभी बताओ ना फोन क्यों किया, यहाँ मुझे बहुत काम है। नहीं नहीं कोई ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं है, कल दोपहर को तुम आओ ना तभी मिलकर बात करेंगे, ठीक है? बोलो, रात को 3:30 बजे फोन करके बोल रहे हो कि अर्जेंट काम नहीं है? 3:30 बजे तो
अरे बाप रे, देखो मेरी तो घड़ी बंद है, मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी सॉरी सॉरी, तुमको डिस्टर्ब किया, सॉरी सॉरी। बाबूलाल काम करो काम करो, सॉरी। अरे अरे सुनो सुनो, चलो सोडी बच गए भाई। ये पोपटलाल को बताना भी नहीं पड़ा, वो अपने आप ही हमारे रास्ते से हट गया है। पोपटलाल का तो इलाज हो गया, लेकिन अब भिड़े मास्टर का इलाज कैसे करेंगे? इतनी बड़ी बात उससे छुपाएंगे कैसे? एक काम करें, कल सुबह जैसे ही भिड़े उठता है, उसके सर में हम फिर से वो हेलीकॉप्टर गेंदा छाप तेल की मालिश करें, ताकि क्या वो शाम तक आराम से सोता ही रहे। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? अरे क्या है ना जेठाला, क्या सर में तेल लगा के मालिश कर देंगे भाई? भाई आज तक तो यही सुना था कि बच्चे माँ बाप के नक्शे कदम पे चलते, पहली बार एक बाप बच्चों के नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहा है। मेहता साहब मेरा क्या है, मैं एकदम खुले विचारों वाला हूँ, जो अच्छा है उसका ग्रहण करना ही चाहिए। नहीं नहीं, आपके खुले विचार बड़े प्रशंसनीय है, लेकिन आपको क्या लगता है आप वो तेल की शीशी लेके जाएंगे और खुली बाहों से भिड़े स्वागत करेगा? आइए आइए, मेरे सर पे तेल लगाइए, मालिश कीजिए ताकि मैं सो जाऊं। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी जाऊंगा मालिश करने। तो कौन जाएगा? आप। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा भाई? और मैं क्या भाई, अगर कोई भी व्यक्ति भिड़े के घर में वो तेल की बोतल लेके गया कि हमें आपके सर पे मालिश करनी है, तो उसे महसूस नहीं होगा, शक नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। सही बात है। फिर तो ऐसा करें, ऐसा आती भाई, आपके पास ऐसा कोई इंजेक्शन होगा जो भिड़े को लगाने से थोड़ी देर के लिए उसकी याददाश्त चली जाए, पर थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए कि उसके पास सखाराम जैसा कोई स्कूटर था या है। कैसी बातें कर रहे हैं जेठा भाई, हम डॉक्टर्स लोगों की खोई हुई याददाश्त वापस लाने में मदद करते हैं, ना कि भुलाने में। नहीं नहीं, बराबर, सॉरी सॉरी आती भाई सॉरी, ये इतने बुरे फंसे हैं ना हम लोग कि उससे बचने के लिए पता नहीं चित्र विचित्र आइडिया आ रहे मेरे दिमाग में, तो क्या करें? ओ यारो, ओ मेरे पास एक धांसू आइडिया है। की? ओ पिडू को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं। ओ पिडू जब कंपाउंड में आ ही नहीं पाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि सखाराम गायब हो गया है। अरे पर छोटी, वो बालकनी में से तो देख ही सकता है ना उसका सखराम है या नहीं है। तो ठीक है ना, बालकनी में भी लॉक लगा देंगे। हाँ, ऐसा अगर करे तो ठीक है, ये हो सकता है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, आप लोग पागल हो गए हैं क्या? एक कह रहा है सर में तेल की मालिश कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरा कहता है बालकनी में लॉक कर देते हैं। हद कर रहे हैं आप लोग यार, हम लोग खुद को तकलीफ से बचाने के लिए भिड़े को तकलीफ में नहीं डाल सकते। तो क्या करें मेहता साहब, भिड़े का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कल सुबह पता चलते ही वो इतनी खरी खोटी सुनाएगा कि उसका एक एक शब्द सुई की तरह चुभेगा। वो मैं समझता हूँ जेठालाल, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भिड़े के साथ कुछ गलत करें। अरे तो आप बताओ क्या करें भाई, कब से चुपचाप खड़े, कोई आइडिया बताओ फिर। हाँ मैं तो था, बोलो। यही तो समझ में नहीं आ रहा जेठालाल कि इस वक्त हम क्या करें, बच्चों की खातिर सच बोल नहीं पाएंगे और झूठ बोलेंगे तो भिड़े से नजरें नहीं मिला पाएंगे। सखाराम के गुम होने के गम में वो तो टूट फूट के रोने लगेगा। अरे टूट फूट के नहीं यार, फूट फूट कर। अरे सखाराम टूट फूट गया ना, इसलिए मैंने बोला टूट फूट के रोएगा, और अगर भिड़े रोएगा तो उसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाएगी। सही बात है, मैं भी भिड़े मास्टर को बिलख बिलख के रोता हुआ नहीं देख सकता। ओ यारो, पिडू को रोता हुआ देखकर तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, और इमोशनल होके मैं तो सब सच बोल दूंगा। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसा गजब मत करना प्लीज भाई। क्या करे मेहता साहब, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्या करे, मिल गया। क्या मिल गया? आइडिया क्या, भिड़े को पता चले कि उसका सखाराम गायब हो गया है, उसके पहले हम लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाए तो उसका सामना करने की नौबत ही नहीं आएगी ना। हाँ ये आइडिया अच्छा है, बढ़िया आइडिया है। क्या खाक बढ़िया आइडिया है, हम लोग अपने काम पे कैसे जाएंगे, कल संडे। अरे तब
आपकी ऑफिस बंद रहती है संडे, मेरी तो खुद की दुकान है भाई, मैं तो संडे को दुकान खोल कर दुकान जा सकता हूँ ना। हाँ मैं भी सोडी गैराज का मालिक हूँ, मैं जब मर्जी जाऊँ जब मर्जी आऊँ। और एक डॉक्टर के लिए क्या संडे और क्या मंडे, मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। अरे मेहता साहब ये तो उल्टा अच्छा है ना कि आपके पास बाहर जाने का कोई बहाना नहीं है। इसमें अच्छा क्या है, समझाता हूँ। कल सुबह हमारे निकल जाने के बाद जब भीड़े को पता चलेगा कि उसका सखाराम गायब है तो क्या, अगर आप सोसाइटी में रहेंगे तो आप भीड़े को समझा सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं ना। अभी ऐसी हालत में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे ज्यादा समझदार, आपसे ज्यादा होशियार कौन है जो भीड़े को समझा सके है? है कोई? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। मेहता साहब मैं जेठ अपराध की बात से सहमत हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि इतनी रात को हमें स्कूटर का मैकेनिक मिल गया, लेकिन समस्या ये है कि ये स्कूटर ठीक करके दिया जाएगा कल दोपहर 2 बजे, यानी तब तक भीड़ उठ जाएगा और सुबह सुबह उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका प्यारा सखाराम गोकुलधाम सोसाइटी से गायब है। उसके बाद भीड़ इतने आंसू बहाएगा कि गोकुलधाम सोसाइटी में बाढ़ आ जाएगी। क्या होगा, क्योंकि जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर आते तो बच जाएंगे, भीड़ को चेहरा दिखाए बिना वो तो सोसाइटी से चले जाएंगे। फंसूंगा मैं, यानी कि तारक मेहता, और जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी की अदालत में श्रीमान तारक मेहता पे गुनाह साबित हुआ है समझदार होने का। और ताजी रात गोकुलधाम के तहत इन तीनों ने मुझे एक सजा मुकर्रर की, और वो सजा फांसी की नहीं फंसने की है। फंसूंगा, मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन क्या मैं भीड़े को संभाल पाऊंगा, क्या भीड़े के आंसुओं को रोक पाऊंगा, क्या भीड़े को पुलिस स्टेशन जाने से रोक पाऊंगा, क्या होगा कल। बड़े मुश्किल हालात है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है क्या भिड़े के सुबह उठने से पहले जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे, या उनके बाहर निकलने से पहले भिड़े नींद से जाग जाएगा। भाई बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि आज की रात जो है यहीं थम जाए, इस रात की सुबह ही ना हो, लेकिन यह संभव है। अब क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.